चुनावी संग्राम में नेताओं का पाला बदलने और एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में शिफ्ट होने की दास्तां बहुत पुरानी है और पिछले कुछ वक्त में ऐसा दिखाई भी दे रहा है। जोड़ तोड़ कर जीत की संभावनाओं को खंगालते हुए फूक फूक कर कदम रखने वाली बीजेपी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS का मन एक दूसरे के प्रति मिल सकता है। इस बीच मंगलवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे NDA खेमे में जाना चाहते हैं। सूत्र के मुताबिक बीजेपी मुख्य तौर पर बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना में टूट के बाद ठाकरे परिवार के सदस्यों के बीच एक राजनीतिक द्वंद्व उत्पन्न करने की रणनीति बना रही है। महायुति में सत्तारूढ़ भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली रकंपा शामिल है। अगर राज ठाकरे भाजपा नीत महायुति में शामिल हो जाते हैं तो मन से मुंबई की एक सीट से चुनाव लड़ सकती है, जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में चचेरे भाइयों के बीच दिलचस्प चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। मनसे 2009 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि पार्टी को अब तक एक भी संसदीय सीट पर जीत नसीब नहीं सकी है। राज ठाकरे की बात बन गई तो ठाकरे बनाम ठाकरे के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन एक परिवार और भी है जहां पर भाभी बनाम ननंद की लड़ाई देखने को मिल सकती है। भतीजे अजीत पवार रकांपा को लेकर चाचा से लड़ाई तो जीत गए, लेकिन वो इतने में ही नहीं रुकने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार बारामती से बहन सुप्रिय सूले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतार सकते हैं। अजीत पवार ने पिछले साल चाचा शरद पवार द्वारा गठित पार्टी से विद्रोह कर सरकार को अपना समर्थन दिया था और बाद में पार्टी पर भी कब्जा स्थापित कर लिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को झटका देते हुए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने अजीत पवार को घड़े चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, जबकि शरद पवार की पार्टी रकांपा शरद चंद्र पवार लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और कोर्ट ने ट्रम्पेट चुनाव चिन्ह को अपनी मान्यता दे दी, जो शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आने वाले समय में अगर राज ठाकरे अगर NDA में आते हैं तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और एक बड़ा तबका इस गठबंधन से प्रभावित होगा।